बच्चों गुड मॉर्निंग। आप क्षितिज में पाठ दो ललाट में बाघ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर में रस्सी शब्द यहाँ जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह रस्सी सांसों के कच्चे धागे की है जो जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर में खींच रही है। प्रश्न नंबर दो, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर, कच्चे मिट्टी के सकोरे से जैसे पानी घिस जाता है वैसे ही यह मानव शरीर है, इसलिए इस प्रयास में कवित्री को असफलता मिल रही है। प्रश्न नंबर तीन, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर में घर जाने की चाह से कवित्री का तात्पर्य ईश्वर की कृपा प्राप्त करने और उसी में लीन हो जाने से है। भाव स्पष्ट कीजिए। चेप टटोली कौड़ी न पाई, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब काका उत्तर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति का अभिप्राय यह है कि मनुष्य संसार में स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयास में अपना लक्ष्य भूल जाता है। इस तरह से जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत हो जाने के बाद उसे कुछ न कर पाने की असमर्थता की पीड़ा व्याकुल कर देती है। प्रश्न नंबर काका उत्तर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि सबको धार्मिक रूढ़ियों और आडंबरों से ऊपर उठकर संभाव को अपनाना होगा और अहंकार का त्याग करना होगा। प्रश्न नंबर पाँच, बंद द्वार की सकल खोलने के लिए ललक ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर में आत्मा में व्याप्त भेद बुद्धि को नष्ट कर संभाव की प्राप्ति करके मनुष्य जब अपने अहंकार को नष्ट कर लेगा तो आत्मा के बंद दरवाजों की साकर खुल जाएगी। प्रश्न नंबर छः, ईश्वर प्राप्त के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होती, यह भाव किन पंक्तियों में व्याप्त हुआ? उत्तर में देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, स्वतम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन का। प्रश्न नंबर सात, ज्ञानी से कवित्री का क्या आशय है? उत्तर, जो स्वयं को पहचान ले वही ज्ञानी है, ज्ञानी से कवित्री का यही अभिप्राय है। प्रश्न नंबर आठ, हमारे संतों भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। कालम्बर, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? खामे, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। कालम्बर में देखिए उत्तर, समाज में भेदभाव के कारण अनेक हानियाँ हो रही हैं, जैसे समाज में एकता की भावना कम हो रही है, लोग हिंदू मुसलमान ब्राह्मण सिख बौद्ध जैन जैसी अनेक पहचानों में बटे हुए हैं और यह भूल जाते हैं कि हम एक ही समाज के एक ही देश के नागरिक हैं। उग्रवाद पनप रहा है, हमारी सहिष्णुता समाप्त हो गई है और हम अपने स्वार्थ के लिए मासूमों निरपराधों की बर्बर हत्याएं कर रहे हैं। खा नंबर में, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए मेरे सुझाव, सभी समुदायों संप्रदायों जातियों को समान अवसर प्राप्त हो, शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार हो, सभी संप्रदायों को एक दूसरे से घुलने मिलने दिया जाए। दैट्स ऑल। होमवर्क में राइट प्रश्नोत्तर एक से लेकर के और आठ तक। दैट्स ऑल।